I wanted to become a dancer who can, you know, dance on stage like Filmfare. Ah, there is a movie called Rangila. So that movie inspired me a lot in terms of dancing. Support तो नहीं था घर से डांस के लिए बिकॉज आई बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली और वहाँ पे पुराना कल्चर जैसे मैं बात करूँ तो कोई ना नहीं था इन चीज़ों में, बट ठीक है वो अपने आप मन में था और तब से चलता नहीं घर से बिकॉज माई फादर इज इन टू बिजनेस एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. तो वो हर्डल तो तब भी था कि और पापा के साथ टू बी ऑन अ शॉप एंड बट आई अगेन वॉन्टेड, जैसे मैंने बोला कि मेरे को रिलेशनशिप बनाने में आई एम अ वेरी फ्रेंडली नेचर आउटसाइड, तो मेरे को वो शुरू से ही पसंद है. सो आई वॉन्ट टू मूव टू यू नो सैलरी जॉब एंड ही डू देयर ओन बिजनेस. पापा से जो एक चीज़ सीखने को मिली वो एक ही चीज़ को बार बार करना बार बार करना, चाहे आप उसमें सक्सेस पाओ या ना पाओ, बट ओवरऑल उसको बार बार करने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद बाद आपको कहीं ना कहीं उसकी फिनिशिंग या उसमें एक चीज़ की सक्सेस मिली जाती है. तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो उनसे बहुत अच्छी सीखी और मैंने अप्लाई भी करी पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, और वो दोनों में मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई. मॉम से बहुत कुछ सीखा, आई एम वेरी क्लोज टू हर, और उनको लगता है कि मतलब किसी का भी कोई काम, अगर फैमिली में किसी भी मेम्बर का कोई काम है ना, तो अगर आप वो खुद भी करते हो तो वो ऐसा नहीं है किसी और का काम है, वो ऐसा ही है कि जैसे आपने किया या मैंने किया, इट्स वन थिंग. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनसे सीखी इन फैमिली के अंदर. तो अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करनी है ना, तो उसके लिए हमारा जो बेस है वो सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सर्वे, यू नो योर मार्केट वेल, आपके पास एक एक प्रॉपर्टी, एक एक शॉप, एक एक ऑफिस का डिटेल्स, उसका मैप, उसकी सारी प्रोजेक्शन आपके पास होनी चाहिए. मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए, कहाँ तक कितनी कंपनीज ने अभी यहाँ पे जगह ली, किस रेट पे ली, वो सारे एनालिसिस आपके पास होने चाहिए. एंड देन एज पर योर क्लाइंट यू कैन प्रपोज प्रॉपर्टीज टू योर क्लाइंट्स, एग्जीक्यूट देम वेल, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो आप ट्रांजेक्शन पूरी कर ही नहीं सकते. अनटिल एंड अनलेस जब तक आप सारी चीज़ों को सिंक्रनाइज, वेल कोऑर्डिनेटेड और ऑन टाइम अगर आप करोगे, तो मेरे ख्याल से तभी आप एक ट्रांजेक्शन क्लोज कर पाते हो, अदरवाइज आप कर नहीं सकते. आई थिंक जयपुर की एयरसेल की ट्रांजेक्शन एक ऐसी थी जिसको बहुत टाइम भी लगा और सब कुछ एग्जीक्यूट वेल करने के बाद लैंडलॉर्ड ने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो उसमें काफ़ी दिक्कतें और चैलेंजेस आए हमें, बट समहाउ आई वॉज देयर इन जयपुर विद लैंडलॉर्ड फॉर 3 days एंड 4th day वी हैव समहाउ एबल टू कंक्लूड दैट डील एंड रजिस्टर दैट डील इन जयपुर. एंड वेर इन मेरे ख्याल से कम ही तो 60-70 ब्रोकर्स होंगे मार्केट के हु कैन नो, बिकॉज वी लीज आउट ऑलमोस्ट 24-25,000 स्क्वायर फीट एरिया इन जयपुर. तो मार्केट में एक बम फट गया था कि दिल्ली से आके कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैसे कर गया. दैट वॉज आई थिंक अमेजिंग एंड चैलेंजिंग डील ऑफ मी. उसके बाद मनु जी और मोहित वॉज देयर इन जयपुर एंड रात को जाके वी बीन टू नाहरगढ़ एंड वी सेलिब्रेट देयर. कॉल टू हरिंदर सर ऑन द टेरेस ऑफ नाहरगढ़, सिग्नल नहीं आ रहे थे, कुर्सी पे खड़े होकर उनसे बात करें कि वी फाइनली कंक्लूड अ बिगेस्ट ट्रांजेक्शन ऑफ जयपुर इन 2010 आई बिलीव. टीम को मोटिवेट करने के लिए वी नीड टू सिट टुगेदर, नॉट ऑफिशियली पर्सनली एज वेल. ज़रूरी नहीं आप हर टाइम बिजनेस डिस्कस करो, आप उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हो, हॉबीज़ हैं, ट्रैवल है, आप कहीं बाहर घूमने इकट्ठे जा सकते हो, जिससे कि बॉन्डिंग, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर जा सकती है, जो कि इफ़ेक्ट आपको पर्सनल लेवल पर ऑफिशियल लेवल पर भी करेगी. मैं ये सोचता हूँ कि रियलिस्टिक के कम से कम नहीं तो 29-30 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया होनी चाहिए, जहाँ से कि हम खुद अपने दम पे इतना सारा बिजनेस और
सभी लोकेशन पे अपनी पेनिट्रेशन कर सकें, जहाँ से हम इंडिया की शायद नंबर वन कंपनी बन सकें। तो आई सी माई सेल्फ डाउन द लाइन टू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर bigger branches to achieve more penetration, more interaction with clients to understand their requirement and serve them. जैसे realistic realtor, जैसे मैं हर चीज़ को dance से रिलेट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से realistic realtor ना एक तरह का ऐसा platform है जहाँ पर आप के अंदर जो भी talent है ना वो आप showcase कर सकते हो realistic realtor आके, because हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होगा। आपको सिर्फ यहाँ आके वो पहचानना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और उसमें आप आगे बढ़ते जाओ।